सावन के पावन महीने में मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस अवसर पर श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से बाबा पर जलार्पण करते हैं। गरीबनाथ धाम से 80 किलोमीटर दूर पहलेजा घाट से जल लेकर कांवड़िया यहां पहुंचते हैं और घंटों मशक्कत के बाद जलाभिषेक करते हैं। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ श्रद्धालु गर्भगृह के अंदर जाकर बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं, जबकि बाहर की भीड़ के कारण कई श्रद्धालु अर्घा तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सह एसटीओ पूर्वी अमित कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, यदि वीडियो में दिखाए गए घटनाक्रम की पुष्टि होती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सिस्टम नहीं, आरती जिस समय होता है प्रधान आरती, उस समय कुछ लोग सफाई के लिए, कुछ लोग माला फूल पकड़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये बाबा के दरबार में कोई वीआईपी या कोई विशेष नहीं है, सब एक समान है। और कुछ लोग जो प्रतिदिन के लिए जाते हैं, प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, सेवा करते हैं, उन्हीं लोगों का सिर्फ अलाव है जो आरती में 7-8 आदमी रहते हैं। अब 8 से 10 होंगे, 8-10 होंगे। एक्चुअली हम तो उधर से देखे नहीं है, लेकिन इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। महंत अभिषेक पाठक बाबा गरीबनाथ धाम, पिछले सोमवार को वीआईपी ट्रीट, देखिए वीआईपी का मतलब क्या होता है, विधायक, सांसद, डीएम साहब, एसएसपी साहब नहीं, लेकिन लोकल वीआईपी गर्भगृह में कोई नहीं जाता, वही जो जाते हैं आरती के समय। देखिए, पुजारी परिवार होगा या फिर महंत परिवार होगा या फिर प्रशासनिक, उसके अलावे अगर कोई है तो जो लोग आरती करते हैं उनके कुछ विशेष यजमान होंगे तो वो लोग लेके जा सकते हैं। जो लोग आरती पूजा श्रृंगार करवाते हैं, डोनेट करते हैं कि आज मेरे तरफ से श्रृंगार रहा, आज मेरे तरफ से रहा, बस उन्हीं लोगों का होता है। इसके बाद भी गर्भ में जाते हैं और 10-5 आरती के लिए जाते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन 50 से ऊपर उनकी संख्या रहती है, बोलते हैं कि बढ़िया दर्शन हो गया, नावर होता है, मंदिर भी होता है। नहीं, जैसा कि कल आप लोग रात में देखे थे कि काफी संख्या में भीड़ थी, उसको लेकर के कि किसी तरह का कोई घटना नहीं हो, उसको लेकर के ही अर्घा लगाया जाता है ताकि श्रद्धालु आसानी से जल अर्पण कर सके। लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो इसको देखा जाएगा, अगर इसमें सच्चाई होती है तो भी उस पर जो भी कार्रवाई हो की जाएगी। मंदिराध्यक्ष मियां कमेटी की बैठकों में भी जाते हैं, तो यह जो विशेष पूजा प्रथा, जो कि वीआईपी दर्शन का प्रथा इस मंदिर में नहीं है। नहीं, तो अगर ऐसा है तो इस समिति के समक्ष भी इस बात को रखा जाएगा, उस पर जो भी समिति का निर्णय लिया जाएगा वो माना जाएगा सभी।